अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार का विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 2, इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी हल कर सकते हैं और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म बनाऊँ तो देखें, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 8x⁶ माइनस 8x³ प्लस x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, 8 में से 1 निकालेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। अब इन पेयर में से अगर मैं कामन करूँ तो अगर मैं 8x³ कामन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x³, क्योंकि ये 6 था, 3 मैंने ले लिए, माइनस 1। और अगर यहाँ से कुछ कामन नहीं आता तो आप माइनस 1 कामन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 1 और ये आ जाएगा 8x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप अलग अलग एक दूसरे के इक्वल रख दें कि x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है a³ माइनस b³, तो वो फार्मूला आपके पास होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको उस फार्मूला में खोलूं तो ये आ जाएगा a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये माइनस 1 अगर शिफ्ट हो गया क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक, ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। फार्मूला लगा दें, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इस माइनस 3 को आप यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, माइनस 1 होता है आयोटा का स्केयर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, ईएस के साथ कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी आपके पास दो आंसर तो ये आ गए, एक आंसर आपके पास आ गया है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने इसके इस एक पेयर को सॉल्व किया है, अब हम इसके दूसरे पेयर को भी सॉल्व करेंगे। इस पेयर को भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ फार्मूला बनाऊँ तो इसको मैं बना सकता हूँ कि 2x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला वही सेम कि a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2। यहाँ पे आप देखें आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आ जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। फार्मूला लगा दें, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यह आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 8। यह आ जाएगा माइनस 2
प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा माइनस 2, प्लस माइनस इसको आप यूँ लिख लें माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस 1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 4 2 ज़ार नीचे 8 है, ये आपके पास आ जाएगा 8। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन कर लूँ, यहाँ रहेगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8, ये कैंसिल होके आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसके सारे सॉल्यूशन को एक ही दफ़ा लिखते हैं, हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो एक सॉल्यूशन सेट इसका आ गया था 1, एक आ गया था माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एक आपके पास आ गया है 1 बाय 2 और एक आ गया है माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 यानी हाफ पोर्शन ऐसा है जो दोनों में सेम है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 45 माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 5, स्केयरिंग करें दोनों तरफ, ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 45 माइनस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, फार्मूला खोल दें, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 45 a का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास आ जाएगा y प्लस 45 b आ जाएगा y प्लस 10 प्लस ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये स्केयर इससे कैंसिल और ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 45 माइनस 2, इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y का स्केयर प्लस 10y प्लस 45y प्लस ये आ जाएगा 450 प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 25, ये वाला वाई और ये वाई ये आपके पास आ जाएगा 2 बाई 45 प्लस 10 ये आपके पास आ जाएगा 55 और ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा और ये वाली साइड टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी, आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 55 वाई प्लस 450। अब अगला काम आपके पास ये हो जाएगा 2y 55 में से 25 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस 55y प्लस 450 आ जाएगा। अब इससे आगे एक काम आप और करें, अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 15 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू y का स्केयर प्लस 55 y प्लस 450। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 15 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y का स्केयर प्लस 55 y प्लस 450, दोनों तरफ स्केयर ले लें, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a का स्केयर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 55 y प्लस 450, साइड टर्म्स को शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा y का स्क्वायर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30 y, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 55 y प्लस 450 आ जाएगा, इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ये 55y है, इस प्लस 30 को उधर शिफ्ट कर दें आ जाएगा माइनस 30y प्लस 450 प्लस 225 उधर जाके माइनस 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब 55 में से अगर हम 35 निकालेंगे आ जाएगा 25y, और 450 में से अगर हम 225 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 225 इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा 25y इक्वल टू माइनस 225, ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 225 डिवाइडेड बाय 25। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 9। y का जो ये आंसर हमने निकाला है इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें। ये कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 6xy का आंसर हमने निकाला है माइनस 9। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस 9, इधर आके प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ एक फार्मूला लगा देते हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर 9 आएगा, b का स्क्वायर प्लस 2 a और b इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम अंडर रूट लगा देते हैं दोनों पे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आता है या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में आता है। तो अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 6 इंटू माइनस 3 प्लस 45 माइनस, ये फिर आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 6 3 जार 18 प्लस 45 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, 45 प्लस 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54 माइनस 18 माइनस, ये आ जाएगा 10 प्लस 9 19 माइनस 18 इक्वल टू 5। 54 में से 18 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 36 का अंडर रूट लेंगे आपके पास 6 ही आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो ये 1 इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में मैच कर दिए, तो बस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैंने कोशिश की है कि तमाम क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करूँ, एक्सरसाइज रिव्यू को भी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी तरह क्लास की प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बुरा दोस्त कोयले की मानत है, गर्म होगा तो जलाएगा और अगर ठंडा होगा तो हाथ को काला करेगा। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।